नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको दो यूनिट मतलब सेकेंड अध्याय पर मैंने आपको फिजिक्स के लेक्चर डाल चुके हैं और आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके तो आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट अध्याय और सेकेंड अध्याय दोनों के वीडियो आपके ग्रुप में डाले जा चुके हैं। अब आज हम चर्चा करेंगे अध्याय तीन की हम चर्चा करेंगे। अध्याय तीन जिसका नाम है विद्युत धारा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है विद्युत धारा। अब पहले तो हम नाम की चर्चा कर लेंगे। विद्युत धारा तो आप लोग सब जानते होंगे। विद्युत धारा जो है तो जो जैसे भाई लाइट पंखा टीवी ये सब का चलता है। विद्युत धारा मतलब बिजली से, या हम इंग्लिश में करंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बात आती है, हम लोगों ने कभी ये दिमाग में नहीं सोचा होगा कि आखिर ये धारा बहती कैसे है, क्यों बहती है, कारण क्या है इसका बहने का, किस प्रकार से धारा बहती है। तो इसके कई कारण है और हमेशा जो धारा बहती है वो चालक से ही होकर बहती है। चालक माने तार। अब तार का है, कहा होता है, तांबे की एल्यूमिनियम की कई प्रकार की तारें होती है। अच्छा चालक कौन सा सर्वोत्तम चालक, चांदी माना जाता है। तो हम विद्युत धारा के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है। विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा है आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं या विद्युत धारा कह देंगे। विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह मतलब विद्युत धारा प्रवाह माने कितनी धुआं या आगे की ओर बढ़ना। मतलब हम सभी जानते हैं यदि केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ेंगे तो किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्योंकि कोई भी चालक या कोई भी तत्व क्रिया तभी करेगा जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जब उनको आवेश करते हैं तो जो आवेश होते हैं उनका प्रवाह आगे की ओर बढ़ने लगता है। मतलब वैज्ञानिकों का यह मानना है कि तार में से आवेश आगे की ओर बढ़ रहा है, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, आवेश प्रवाह की दर, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित कर देंगे अपन। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या हो जाएगी, मतलब सूत्र के रूप में यदि मैं कहूं तो विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आपका आवेश मतलब कैपिटल टी समय माने टी या स्मॉल टी ले लीजिए कैपिटल टी का धारा माने आई इसका फॉर्मूला क्या बोले आई सी कैपिटल टी यदि मैं इसका यदि मैं कहूं इसका मात्रक तो धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। यदि हम मात्रक की चर्चा करेंगे तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। और एम्पियर निमी सूत्र निकालिए निमी सूत्र क्या हो जाएगा, आई बराबर कैपिटल क्यू अपॉन टी। आवेश का निमी सूत्र क्या होता है एटी, और इसका निमी सूत्र समय को क्या होता है ओनली टी से, टी से टी कट गया तो मिला आई बराबर ओनली के आएगा आपके पास। ये हो गया इसका निमी सूत्र हो गया। अब राशि तो राशि है अधिस राशि, ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये अधिस राशि है। तो यदि विद्युत धारा के बारे में किसी ने हमसे पूछ लिया तो हम क्या बताएंगे, परिभाषा बताएंगे। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, इसे कैपिटल आई से करते हैं। विद्युत धारा आवेश बटे समय कैपिटल आई और क्यू अपॉन टी। मात्रक आई बराबर एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा सही पद्धति में। आई बराबर कैपिटल क्यू अपॉन टी। आवेश का हो जाएगा ए टी और ये हो जाएगा टी, टी से टी कट गया, ये बस बचेगा आपका। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब बात अगला टॉपिक क्या कहता है, हमारा अगला टॉपिक है इसी का, अगला टॉपिक यह कहता है अनुगमन वेग या अपवाह वेग। ये टॉपिक है अनुगमन, पुरानी किताब होगी यदि किसी के पास तो उसमें अनुगमन वेग लिखा होगा, और यदि किसी के पास नई किताब होगी, नई किताब है यदि किसी के पास तो उसमें अपवाह वेग लिखा है। अपवाह वेग तो शब्द का अंतर है, काम वही है।
तो कहता है कि किसी चालक ने इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होता है, इस नियत औसत वेग को अपवाद है या अनुगमन। इसमें जो किताब में लिखा है वो ठीक है, मैं अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया कि विद्युत धारा जो होती है, मतलब आवेश प्रवाह की तरह धारा कहते हैं, और निश्चित रूप से यदि कोई भी वस्तु वस्तु है या आवेश है कोई भी, यदि वो गति करेगी, यदि वो गति करेगी तो गति करेगी तो मतलब एक भी ना होगा उसमें, ऐसे ही तो गति ना होने लगेगी उसमें, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ क्या होगा वेग। अब वेग कैसा होगा, नियत वेग, नियत माने कैसे, जैसे उदाहरण के लिए हम पंखा चलाए, हम पंखा चलाते हैं 5 नंबर में पंखा चला रहे हैं, तो पंखा 5 नंबर में चल रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि कुछ देर बाद वो 1 नंबर में हो जाए, 2 नंबर में हो जाए, 3 नंबर में हो जाए या धीमा हो जाए तेज, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जितनी धारा की आवश्यकता होती है उस प्रवाह से आवेश वहां तक पहुंच जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है जितनी उसको आवश्यकता उतनी मात्रा में धारा नियत औसत वेग से क्या होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि अपवाद वेग का कहने का अर्थ है कि किसी भी विद्युत परिपथ में आवेश नियत औसत चाल से जो गति करते हैं वही उसका अपवाद वेग कहलाता है, इसे डी जी से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने इसको समझा दिया है, नोट लिख लीजिएगा इसको, तो मैंने ये बताया है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये लगभग हर साल आता है, हर साल तो नहीं कह सकते हैं पर 1-2 साल में आता ही आता है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के संबंध, विद्युत धारा और, अभी मैंने दोनों चीज बता दी आपको, विद्युत धारा भी अलग से मैंने बता दिया है और अनुगमन वेग भी बता दिया, वेग में संबंध, ये हमारा ये टॉपिक है। मैंने बताया कि तीन नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे इस पार्ट से, और दो विकल्प आए, मतलब इस अध्याय से आपके पेपर में 8 नंबर का आता है, 8 नंबर का आएगा। तो पहला काम तो हम चित्र बना लेंगे, चित्र प्रयास करें कि पुस्तक से आप देख के बनाइएगा, अभी अपन जो भी चित्र बनाते हैं फॉर्मली जल्दी जल्दी में बना देते हैं, फिर भी आप जो भी चित्र बनाएंगे वो देख के बनाएंगे, पुस्तक से देख के बनाइए। क्योंकि अभी अपन जो चित्र बनाते हैं, देखिए ये डंडी का समझ जाइए, ये डंडी यदि बड़ी है तो समझ जाइएगा कि प्लस है और छोटी डंडी है तो निगेटिव है, हालांकि मैं नहीं किया हूं पर बार बार देखना पाऊंगा तो आपको ध्यान रखना। पहला काम सबसे पहले फिजिक्स का पहला नियम होता है, जब हम यदि चित्र बनाए हैं जो भी हमने चित्र में देखा है उसको हमको लिख देना है। हमने क्या क्या देखा, माना PQ एक क्या है, चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, हम लिख देंगे माना PQ एक चालक, माना PQ एक चालक चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल एल व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से तात्पर्य उसके क्षेत्रफल से, ठीक है ना, तालक तार की मोटाई से, कितना मोटा, तो ये मतलब बहुत डिफरेंट शब्द नहीं है। तिरंगण क्या है, इसमें कहते हैं तब चालक का आयतन क्या हो रिया, आयतन में 3 राशियां होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2 राशि पहले से दी है कितना आ गया आयतन दी है। अब आयतन इसका यह आ गया तो कहता है कि चालक के प्रति एक अंक आयतन में ट्रांजिट संकेत स्मॉल यह है, यदि चालक के प्रति एकांक चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन
इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी NaL। अब कहता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश स्मॉल e, अब इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों में आवेश स्मॉल e हो तो कुल चालक में कुल आवेश की मात्रा, तो चालक में कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो चालक में कुल आवेश कितना हो जाएगा बेटा, कुल आवेश हो जाएगा एन ई एल, कुल मिलाकर सब एक दूसरे का मल्टीप्लाई करते चले आ रहे हैं। पहले एल था तो एल का मल्टीप्लाई आते आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक संख्या इलेक्ट्रॉनिक आवेश की कुल मात्रा आ गई। ठीक है, अब कहता है इसमें थोड़ा सा इसमें आप पढ़ेंगे क्योंकि इसमें पढ़ना पड़ेगा। कहता है चालक को बैटरी से जोड़ने पर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में विपरीत दिशा में अनुगमन वेग गति करने लगते हैं। कहता है कि अब हमने इतना सब कुछ कर लिया, इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही हम बैटरी को जोड़ देते हैं तो इसमें क्या होने लगता है, धारा प्रवाहित होने लगती है। जब हम धारा प्रवाहित करने लगते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इस दिशा में प्रवाहित होंगे। मतलब पहले का विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा इधर प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन इसकी विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। तो हमको समय निकालना था आवेश को चालक को पार करने का समय, अतः आवेश को चालक को पार करने में लगा समय, जैसा कि हम सभी जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो इस प्रकार से निकालेंगे। आप क्या कहता है कि चालक ने चालक बहने वाली धारा, इस प्रकार चालक ने बहने वाली धारा धारा का सूत्र क्या होता है भैया, आई बराबर कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल टी। अभी मैं लिखवाया आई का मान क्या हो गया, कैपिटल क्यू का मान कितना हमारे पास एन ई एल, बी का मान हमारे पास कितना है एल अपॉन यही हमारा क्या आ जाएगा, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक साल छोड़ के आता है, अभी पिछले साल नहीं आया, मतलब इस साल आएगा। तो इन सभी प्रश्नों को तैयार करके चलना है अपन, और खासकर बायो वाले के लिए ध्यान देंगे। आपको इसको फिजिक्स नहीं समझना है, इसको गणित समझ के पढ़ना है। यदि गणित समझ के पढ़ेंगे तभी इसके पार पा पाएंगे, अन्यथा ये याद नहीं हो पाएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ज्यादातर बायो के बच्चों को बहुत दिक्कत होती है फिजिक्स में। मैं बार बार समझाते जा रहा हूँ, पिछले वर्ष भी मैंने आपको बताया था, इस वर्ष भी मैं बता रहा हूँ आपको कि बायो के जितने भी छात्र छात्रा है हमारे, निश्चित रूप से इसको गणित समझ के पढ़िए, लगाइए जैसे तस्वीर में गणित लगाते थे उसी प्रकार से लगाइए, तभी ये आपको निश्चित रूप से बनेगा। अन्यथा ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसको आप याद नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम एक एक दो दो टॉपिक डेली आपको बता रहे हैं और आप इसको पढ़ते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।